ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर व्यक्ति गवाह है कि कांग्रेस और सच्चे वर्मा ने इसमें की एक भी उपलब्धि, काम बहुत सारे, अब पोस्टमैन की भूमिका से ज्यादा कुछ नए सड़क की दिखा नहीं पाए। उन्हें प्रधानमंत्री आवास आ रहे हैं, सत्य भी जाते हैं वो आवास, किसान सम्मान निधि आती वो आवास। एक भी ऐसा काम जो खुद के एफर्ट से, खुद के प्रयासों से देवास शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में ला के रखा हो, ऐसी एक भी उपलब्धि नहीं। ना आठ विधानसभा इस लोकसभा में कहीं दीदार लोगों ने उनके दिए नहीं। सज्जन वर्मा जी सांसद थे, फ्रिक्वेंटली आठों विधानसभा में हराड़ा जी मेरे पास बैठे, परेशान हो जाते थे। ऐसे जब भैया परसों तो आए थे, ये जो कर्तव्य परायणता की कसौटी है उसमें दूर दूर तक इस आदमी का, बहन सोलंकी का नाम ऊंचा नहीं है। इस पूरी लोकसभा में किसी के मन में घर नहीं बना सकी है। मैं चंद बातें आपको जानकारी में लाना चाहता हूँ। गरीबी कहाँ पहुंच गई, कितने लाख करोड़ का कर्जा हो गया, ये सब आप जानते हैं। शाहजहांपुर की सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 2700 के गेहूं बेचे जाएंगे और आज 2400 रुपए तय किया है। तो अभी तो हम गांव गांव में किसानों से बात करेंगे कि अगर आपके घर में 20 क्विंटल भी गेहूं हुए तो 6000 रुपए का डाका पड़ रहा है आपके सामने। तो ये अच्छे दिन आने वाले, कौन से अच्छे दिन 10 साल में आए इसका सवाल आज जनता को पड़ा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार, महंगाई कहां गई अभी तक किसका जवाब इनके पास नहीं। और इस चुनाव में भी आप देखेंगे कि चुनाव के पहले सीएए का मुद्दा ले आए, लोगों की दिशा को मुख्य मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ले आए, जबकि भारत एक फेडरल स्टेट्स का यूनियन है और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला ही कोई कह सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन करो, जबकि हेतु इनका यह है कि वन नेशन वन पार्टी। तीसरी बात, कुछ दिन पहले ही इन्होंने स्लोगन दिया 400 पार 400 पार, और इनके लिए प्रमुख नेता है आनंद हेगड़े जी कर्नाटका के, उन्होंने ये कहा कि हम 400 से ज्यादा संख्या इसके जाते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। और इनके कई संगठनों से जुड़े हुए नेताओं ने तो समय समय पे कहा है कि हम आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो इस तरीके से पूरे ध्यान विचलित करने का कारोबार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चुनाव के समय में करता है। कांग्रेस में कोई चुनौती नहीं है, हम चुनाव जीतेंगे सभी 8 सीट। हाँ, जीतेंगे जीतेंगे। आपका संगठन काफी कमजोर है। कोई संगठन कमजोर नहीं है, देखिए आप कोई कमजोर नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, सब साथ में है। और लोकसभा का टिकट दिया है, अभी कई सवाल भी हुए, क्या कठिन परिस्थिति में चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है और क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस साथ में और एक कितनी बड़ी चुनौती, सभी 8 आज बीजेपी के वर्तमान जो सांसद हैं बीजेपी के महेंद्र सोलंकी जी, वो अपने फेसबुक पर लिख चुके हैं अब की बार 6 लाख पार, तो कांग्रेस का कोई ऐसा नारा है वोटों को लेकर? जो सांसद ग्रामीण क्षेत्र गए ही नहीं हो, जनता से मिला नहीं हो, वो तो कुछ भी नहीं रखते हैं।
क्योंकि आप प्रत्याशी, आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्यों जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में, तो आप बोल रहे नो कमेंट। क्या स्थिति की आपको?